नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि पिछले दो सुनवाइयों से चार्जशीट को स्क्रूटनी के लिए आरोपी के तरफ से समय मांगा जा रहा था, तो अब चार्जशीट पर सुनवाई होने वाली है। 29 नवंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी और अब आज फिर एक बार लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने दस्तावेजों के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इससे पहले 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से चार्जशीट की स्क्रूटनी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी। मामले में आरोपियों की तरफ से पासपोर्ट अदालत में जमा कराया गया है। रेल में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई के तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। चार्जशीट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व सीएम द्राबड़ी देवी और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पहले 16 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने लालू परिवार को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट की तरफ से उन्हें हर सुनवाई में पेशी से छूट दी गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने डिप्टी सीएम तेजस्वी को भी सरकारी दौरे पर विदेश जाने की अनुमति दे दी थी। वहीं 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। दरअसल 22 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने नई चार्जशीट को मंजूर करते हुए लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था। लैंड फॉर जॉब केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा था उनके खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। आज लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। इस चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों को ही आरोपी बताया गया है। इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें, आखिरी सुनवाई 29 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद आज 20 दिसंबर को ये सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ इस सुनवाई के बाद निकलकर सामने आता है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।